केमिस्ट्री क्लासेस में हूँ रामेश्वर वर्मा। आज का हमारा टॉपिक है रैंडम टेबल। ये टॉपिक बहुत ही अच्छा होने वाला है। अगर आप हमारे चैनल में नए हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, राइट। ये वीडियो किसके लिए उपयोगी होने वाला है या यूजफुल होने वाला है, तो जो कोल इंडिया से रिलेटेड हैं या कोल सिंप्लिक्स से रिलेटेड हैं या कोल में जॉब करने के लिए इंटरेस्टेड है, उनके लिए बहुत ही इंफॉर्मेटिव होने वाला है। अगर आप इस जॉब में आना चाहते हैं और कहीं ना कहीं आप कोल एनालिसिस से रिलेटेड रखते हैं, तो आपको रैंडम टेबल पता होना कंपलसरी है, राइट। तो इसमें हम पढ़ेंगे क्या क्या चीज़। तो सबसे पहले हम क्या बता देते हैं आपको, परिभाषा, इंट्रोडक्शन। दूसरा हम बताएंगे कितने टाइप का हमारे पास रैंडम टेबल है, ठीक, टाइप्स ऑफ टेबल, रैंडम टेबल के बारे में बात करते हैं। तीसरा हम एक लाट होता है, फिर सब लाट होता है, ये किसको बोलते हैं इसके बारे में बताएंगे। फिर हम रैंडम नंबर कैसे निकालते हैं इसके बारे में बताएंगे। फिर अगर हमारे पास अलग अलग ग्रेड का कोयला है तो उसके लिए हम रैंडम कैसे निकालेंगे। तो इतना सब टॉपिक में हम क्या करने वाले हैं, चर्चा करने वाले हैं, राइट। तो आज का हमारा पहला टॉपिक क्या हो जाएगा, इंट्रोडक्शन या परिभाषा। तो परिभाषा का बात करते हैं तो बिखरा हुआ नंबरों का एक ऐसा समूह जिसको हम क्या बोलते हैं, रैंडम नंबर बोलते हैं या रैंडम टेबल बोलते हैं, राइट। हमने क्या बताया आपको, परिभाषा क्या हो जाएगा हमारा, मान लो यहां सेंटर में एक है, फिर ये हमारा क्या हो जाएगा, परिभाषा। परिभाषा में हमने क्या बताया, बिखरा हुआ नंबरों का एक ऐसा समूह जिसको हम क्या बोलते हैं, रैंडम टेबल या रैंडम नंबर बोलते हैं। या आप देख सकते हैं जैसे एक है, दो है, कोई सीरियली कोई अरेंजमेंट नहीं है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रैंडम नंबर बोलते हैं या रैंडम टेबल बोलते हैं, राइट। ये एक छोटा सा हमारा एक परिभाषा हो जाएगा या इंट्रोडक्शन हो जाएगा। इसका ज़्यादा आपको वैल्यू नहीं है, बट आपको जानना चाहिए। अब ये दिया किस में है, इसके हम किसको फॉलो करते हैं, कौन सा टेबल को हम फॉलो करते हैं, कोई भी टेबल है जिसको हम ऐसा फॉलो नहीं कर सकते, उसके लिए हमारे पास एक रूल है। रूल का नाम क्या है, IS-436 Part 1 1964, उसको हम क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। उसमें ये दिया हुआ है, टेबल नंबर 5 में हमको दो चार्ट दिया हुआ है। पहला चार्ट 1 से लेकर 100 तक है, दूसरा चार्ट है हमारा 1000 तक, ठीक है। तो 1 से लेकर 100 तक हम कब यूज करेंगे, 1000 वाला कब यूज करेंगे, इसके बारे में जब मैं रेंडम नंबर निकालूंगा या टेबल को क्या करूंगा, अलग अलग ग्रेड का है, उस टाइम मैं आपको बताऊंगा। परिभाषा जानिए, बिखरा हुआ नंबरों का एक ऐसा समूह जिसको हम क्या बोलते हैं, रेंडम नंबर या रेंडम टेबल बोलते हैं, राइट। हो जाएगा लाट और सब लाट के बारे में बात करते हैं, राइट। एक ऐसा टॉपिक है जो कि बहुत बार बार कमेंट आ रहे हैं, लाट क्या होता है, सब लाट क्या होता है, जनरली जान नहीं पाते हैं, क्योंकि पहले लाट बताएंगे तभी सब लाट के बारे में आप जान पाओगे, ठीक है। सब लाट के बारे में सब पूछते हैं, ये सब लाट होता क्या है, तो उसके बारे में हम बता रहे हैं। आपने जनरली पिक्चरों में कॉमेडी सीन के तरफ ये देखे होंगे कि किसी चोर को पकड़ने के लिए पुलिस का एक समूह आता है, ठीक है, उसको हम क्या बोलेंगे, लाट बोलेंगे। कहने का मतलब क्या है, एक पूरा समूह को हम बोलेंगे लाट। अब फिर क्या बोलता है पुलिस वाला, दो दाएं जाओ, दो बाएं जाओ, दो आगे जाओ, दो पीछे जाओ, जो बचा मेरे पास आओ, ठीक है। इस प्रकार से कॉमेडी करके बोलता है, अब वास्तव में बचा रहता है अकेला वो, ठीक है। तो क्या किया है, वास्तव में टुकड़ों में अपने टीम को डिवाइड कर दिया, दो इधर भेज दिए, दो इधर भेज दिए, दो आगे दो पीछे, मतलब टुकड़ों में अपने टीम को डिवाइड कर दिया, उसी को हम क्या बोलेंगे, सब लाट। जब पहले आया था तो वो एक समूह में था, एक लाट में था, लेकिन उस लाट को उसने क्या कर दिया, छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया, अलग अलग टीम में डिवाइड कर दिया, राइट। एक को इधर भेज दिया, एक को उधर भेज दिया, अलग अलग दिशा में उसको भेज दिया, ठीक है, मतलब छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर दिया। उसी प्रकार मैं अपने, हम इधर आते हैं इस लैंग्वेज में अपने, तो हम देखते हैं हमारे पास मैक्सिमम 60 वेगन का हमारे पास एक रेक होता है, इसको हम क्या बोलेंगे, एक ग्रुप है ये 60 का, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे लाट, ठीक है। और हम अपने क्या करते हैं, छोटे छोटे ग्रुप में, मान लो 10 10 के ग्रुप में हम डिवाइड कर दिए, ठीक है, 10 10 के ग्रुप में क्यों डिवाइड किए हैं इसको हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो ये 10 10 के ग्रुप में मान लो मैं 6 बार डिवाइड कर दिया, ये हमारा क्या हो जाएगा, सब लाट, ठीक। सबसे पहला हम देखते हैं 60 वेगन का जो हमारे पास एक रेक है वो एक समूह में है, उसको हम क्या बोलते हैं, लाट बोलते हैं। और छोटे छोटे हम 10 10 वेगन को हम क्या बोल रहे हैं, जो लिए हैं उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम सब लाट बोलते हैं, ठीक है। हो गया, लाट और सब लाट डिवाइड क्यों करते हैं आपको पता चल गया, कैसे डिवाइड करते हैं आपको पता चल गया, ठीक है। अब लाट और सब लाट हम किसमें कितना कितना करते हैं इसको आपको याद रखना है। तो इसके लिए हमारे पास दो चीज़ है, एक होता है FSA, दूसरा होता है IS, ठीक है। FSA का फुल फॉर्म बात करते हैं तो फ्यूल सप्लाई एग्रीमेंट। मैं बहुत सारे इससे रिलेटेड वीडियो बना चुका हूँ, बट आप समझिए, FSA में अगर आपको कोल सैंपलिंग करवाना है तो आपको याद रखना है 10% होता है,
ठीक है। कोल सैंपलिंग कितना होता है, 10% होता है, जबकि आईएएस में कितना होता है, क्लियरली मेंशन है 25%। ठीक है, अब यहाँ से हमको क्या करना है, सब लॉट की बात यहाँ आता है। अगर आपको 10% करवाना है, हमारे पास कितना वेगन है, 60 वेगन का एक पूरा लॉट है। अब हमको क्या करना होगा, 60 वेगन में 10% निकालना होगा, तो हमारे पास कितना आ रहा है, 6 आ रहा है, 6 हमारे पास सब लॉट बन रहा है। जैसे कि यहाँ पे हमारा कितना हो रहा है, एफएसए में 10% हमको लेना है, तो 10% में हम लेते हैं तो क्या हो जाएगा, 10 एकम 10 छक्के, मतलब 6 सब लॉट हमारा बन रहा है, और हर एक सब लॉट से हमको एक सैंपल लेना है। ठीक, उस प्रकार से आप समझ सकते हैं, जैसे कि हमने वो पुलिस वाला, फिर बताता हूँ मैं, पुलिस वाला मान लो आया था, वो एक ग्रुप में, ग्रुप में सबको डिवाइड किया, लेकिन सब ग्रुप में एक एक को क्या कर दिया है, लीडर बना दिया है या फोन दे दिया है, जो कुछ भी होगा तो मैं पूछूंगा कुछ पता चला क्या, कुछ पता चला क्या, मतलब सबसे क्या कर रहे हैं, एक एक को आपको चुनना है। मतलब हमारे पास 10 वेगन का है, एक नहीं है ये, पूरा 10 वेगन है, 10 वेगन में ही हमको एक का लेना है, मतलब एक ही हमको चुनना है, पूरा 10 को नहीं लेना है, राइट। उसी को हम क्या बोल रहे हैं, उसको सबलाड बोल रहे हैं। ठीक, 10% में हमारा सैम्पलिंग, और यही अगर हमारा 25% हो जाए तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 15 आ जाएगा, 15 का सबलाड रहेगा, 15 अब रहेगा तो देखते हैं 60 में कितना हो जाएगा, 15 का देखते हैं तो 4 4 का रहेगा, मोस्टली 4 4 का वहाँ सबलाड हो जाएगा। मतलब हम 15 जगह से हमको क्या करना है, सैंपल लेना है, लेकिन सैंपल लेने से पहले हमको 15 सबलाड बनाना पड़ेगा, 4 4 का रहेगा। ठीक है, 15 चौक 60 होता है तो 4 का रहेगा, इसका भी सब लॉट आपको बना बता देते हैं ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाए कि, हालांकि मैं रिक सैंपलिंग में आपको एकदम क्लियर कर चुका हूँ, फिर भी यहाँ आप समझ लीजिए। जैसे हमारे पास क्या होता है, 1 से लेकर 4 तक हमारा क्या हो जाएगा, पहला रेंडम हो जाएगा, मतलब पहला सब लॉट हो जाएगा। फिर हमारा क्या हो जाएगा, 5 से लेकर 8 तक दूसरा, 9 से लेकर 12 तीसरा, ठीक है, 13 से लेकर 16, 17 से लेकर क्या हो जाएगा, 20। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा, ये पांचवा, ये हमारे पास क्या हो गया, 5 सबलाड बन गया। ऐसे मेरे को आगे फर्दर बनाना है, ये क्या कर दिया मैंने, 1 से लेकर 4, 5 से लेकर 8, ये इस प्रकार से फर्दर चलते जाएगा। हमको 60 वेगन तक की हमको 15 सबलाड बनाना है, ठीक है, और हर एक सबलाड से हमको एक सिंपल के लिए चुनना है। अभी चुनने के लिए हमको कहाँ से लेना है, रैंडम टेबल, तो रैंडम टेबल को आपको कैसे सेलेक्ट करना है इसके बारे में बताएंगे। सबसे पहले आप प्रोसीजर जान लीजिए, स्टार्टिंग आपको कहाँ से करना है, आप जाके डायरेक्ट रैंडम टेबल नहीं निकाल सकते, आपको पहले इंश्योर करना होगा। अभी ग्रेड के बारे में बताएंगे कि ग्रेड कितना कितना होगा, फिर हम आपको रैंडम टेबल निकालना सिखाएंगे, तो ये लंबा प्रोसीजर है। आप डायरेक्ट बोलिए कि मेन टॉपिक में आइए, तो टॉपिक से पहले आपको सब टॉपिक को पढ़ना पड़ेगा, ये एक हिसाब से सब टॉपिक है, फिर हम टॉपिक में आएंगे। ठीक है, तो हमारे पास एफएससी आईएएस दोनों क्लियर हो गया। ठीक है, एफएससी में हम 10% लिए हैं, आईएएस में हम 15% 25%, तो इसमें हमारा 15 वेगन में हमको सैंपलिंग करना है। ठीक, ये हो गया, हम ये इंश्योर करते हैं, सबसे पहले आपको सैंपलिंग करने जाना है, तो सैंपलिंग करने जाने से पहले आपको ये इंश्योर करना होगा कि जो साइडिंग में लगा हुआ वेगन है वो कितने, उसका वेगन नंबर है, मान लो 60 है, तो आपको उस कंडीशन में टेबल नंबर 5 में IS 436 Part 1 1964 आपको रटा जाना चाहिए, राइट। उसके हम चार्ट नंबर 1 में देखेंगे, सेट 1 को देखेंगे, ठीक है, उससे हमको सब लॉट निकालना होगा। अगर कहीं साइडिंग में आप जा रहे हो, उसमें देख रहे हो कि 102 से या 120 से ज़्यादा लगा है, उस कंडीशन में आपको क्या करना होगा, सेट टेबल नंबर 5 में सेट 2 को आपको यूज करना होगा। ठीक है, मोस्टली 99% आपको सेट 1 को ही यूज करने की जरूरत है, सेट 2 को जरूरत मिनिमम पड़ेगा, रेयर रहेगा। ठीक है, अब सेट 2 कैसे होता है, जैसे कि क्या होता है, कभी कभी 120 तो होता नहीं है, तो उसको क्या करेगा, दो इंजन को मर्ज कर देगा या दो ट्रॉली को मर्ज कर देगा। ठीक है, एक रेक में कितना होता है, 60 होता है, अगर दो को जोड़ेगा तो 120 हो जाएगा। आजकल जनरली क्या हो रहा है, पावर प्लांट में कोल की मांग बढ़ रहा है, उस कंडीशन को देखते हुए या रास्ते में क्या हो रहा है, ट्रैफिक इतना है, ट्रैफिक का बोल दिया जाए तो सिग्नल का, ठीक है, रेलवे लाइन में सिग्नल का बात कर दिया जाए तो सिग्नल का इतना प्रॉब्लम होता है कि एक पावर प्लांट क्या होता है, कोल इंडिया से डेस्टिनेशन तक पहुंचने में उसको बहुत लेट लगता है, इसी पर्पस को ध्यान में रखते हो सकता है वो आगे चल के मर्ज कर दे, इसके लिए भी हम प्लान बना के रख चुके हैं इसके लिए। ठीक, अभी जनरली क्या हो रहा है, महाराष्ट्र में मैं देख रहा हूँ, जाते रास्ते में आते जाते तो गन्ना का सीजन चल रहा है, तो गन्ने को क्या कर रहा है, एक ट्रैक्टर ले जाता है जिसमें 3 ट्राली जोड़ के रखे हैं। आप गांव में जनरली देखे होंगे एक ट्रैक्टर में एक ट्राली, लेकिन अभी क्या कर रहे हैं, एक ट्रैक्टर में 3 ट्राली जोड़ के ले जा रहे हैं। उसी प्रकार हमारा मिनिमम कितना रिक्वायरमेंट है, 60 वीगन का, और 60 वीगन में एक्स्ट्रा जोड़ रहा है, उसके लिए भी हम, हमारे पास रूल है, ठीक है, उसके लिए हम सेट 2 का यूज करने वाले हैं। अभी हम देखते हैं, इंश्योर करते हैं कि 60 नंबर का वीगन है तो सेट 1 को यूज करना है,
60 से ज़्यादा है मतलब 100 से ज़्यादा है, उसके लिए हमको क्या यूज करना होगा, सेट टू को यूज करना होगा, राइट। ठीक है, अब आता है ग्रेड की बात। जैसे अब अलग अलग ग्रेड होता है हमारे पास, कोल इंडिया ने बताया है कि हमारे पास अभी प्रेजेंट में है G1 से लेकर G17, बट इसमें मॉडिफाई हो चुका है, G18 भी हो चुका है। मतलब आपके पास अगर जिसी भी वैल्यू 2000 तक के आता है तो वो ग्रेड में माना जाएगा। अभी ये अपग्रेड नहीं हुआ है, कहीं कहीं पे आपको देखने को मिल जाएगा आगे फर्दर, लेकिन अभी आपको G17 ही मानना है। अगर 2200 कैलोरी आया है, ठीक है, किलो कैलोरी, वो आपको क्या हो जाएगा, लास्ट ग्रेड रहेगा। ठीक है, अगर 2199 आता है वो अनग्रेड हो जाएगा। ठीक, इसको अपग्रेड होता है तो हम आपको बता देंगे, आपको इन्फॉर्मेशन दे देंगे एक वीडियो के माध्यम से कि G18 ग्रेड में आ गया है करके, राइट। बस अगर 3 ग्रेड है, ठीक है, 3 ग्रेड है, तो उसके लिए हमको सब लाभ कैसे निकालना है, FSA के हम क्या कर रहे हैं, अभी हम सैम्पलिंग कर रहे हैं, IAS के बारे में नहीं जा रहे हैं। FSA ही मेनली 99% जगह आपको FSA दिखेगा, IAS बहुत कम दिखता है, क्योंकि क्या होता है 15 जगह से सैंपलिंग उठाना बहुत मुश्किल है। हमारे पास जो ड्यूरेशन ऑफ टाइम है वो बहुत कम रहता है, इसलिए FSA ही मेन होता है। IAS में क्या होता है, बहुत टाइम लग जाता है, इसीलिए 99% जगह देखा जाएगा तो आपको FSA मिलेगा। FSA को आप अच्छे से सीख गए तो IAS में कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। मैं सैंपलिंग का बात नहीं बताऊंगा, केवल आपको रैंडम टेबल में ही रखना चाहता हूँ। सैंपलिंग में बताऊंगा तो सैंपलिंग के लिए तो बहुत सारा मैं वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन आपको सबसे पहले रैंडम टेबल देखना होगा। रैंडम टेबल मेनली हम रेक के लिए ही देखते हैं, अगर देखा जाए तो मेनली रेक के लिए ही बनाया गया है रैंडम टेबल। ठीक, तो अगर मेरे पास 60 वेगन का है, इसमें देखता हूँ तो 3 ग्रेड का है, ठीक है, 3 ग्रेड का है। मान लो हमारे पास G10 का है, G11 का है और G12 का है, ठीक, 3 ग्रेड का है। और मेरे को पता चला कि इसमें 30 वेगन में, 30 वेगन में मान लो G10 का है, ठीक है, अब उसके बाद 22 वेगन में याद रखिएगा G11 का है, ठीक है, और मेरे पास जो 9 बज गया या 8 बज गया, ठीक है, 8 जो बचा वो G12 का है। अब मेरे को इसमें कितना कितना सब लाड बनाना है, तो इसके लिए आप पहले एक आपको चार्ट को देखना जरूरी होगा। ठीक है, अगर हमारे पास अप टू, मतलब मैं एक ही बोल दूं तभी चलेगा, 1 से लेकर 30 है तो 4 सिंपल रहेगा, 31 से लेकर 50 रहेगा तो 5 सिंपल रहेगा, और 51 से लेकर अभी मान लो अबव तक तो कितना रहेगा, 6 सिंपल। ये माइंड में है तो आप कहीं भी जाके आप सिंपलिंग करवा सकते हो। ठीक, बाकी रूल तो हम बता रहे हैं, लेकिन 1 से लेकर 30 के बीच में जितना भी आपको वेगन मिले, चाहे 1 वेगन मिले, उसमें भी आपको एक ही लेना है, मतलब 4 लेना है, ठीक, और 30 है तो भी आपको 4 लेना है, राइट। तो हम क्या बता दिए, 30 वेगन है हमारे पास, 22 वेगन है, 8 वेगन है। अब हम सबसे पहले इसमें जाते हैं तो देखते हैं, 30 भी है एक वाले 4 वाले सैंपल में, 22 भी है और 8 भी है, मतलब मेरे पास जितना भी है वो चार चार के सब लाट में है। ठीक, चार चार के सब लाट मेरे को बनाना पड़ेगा। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, 4 से डिवाइड करता हूँ, इसको भी 4 से डिवाइड करता हूँ, इसको 4 से डिवाइड करता हूँ। अभी आपको पूरा हर चीज़ क्लियर हो जाएगा, फिर आप लास्ट में रेंडम टेबल निकालिएगा, रेंडम नंबर निकालिएगा, क्योंकि आप डायरेक्ट जाके नहीं देख सकते, पहले इंश्योर करना होगा आपका नंबर कितना है। वेगन का 120 है तो आपको कौन सा सेट लेना है, अगर आपके पास रेंडम क्या है, ग्रेड कितना है, एक ही ग्रेड है तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर 2 ग्रेड है तो भी आपको सोचना पड़ेगा, 3 ग्रेड है तो भी सोचना पड़ेगा। ये एक प्रोसेस है, मैं पूरा प्रोसेस के माध्यम से आपको समझा रहा हूँ ताकि आपको कोई भी प्रोसेस छूटे मत। ठीक है, अब मेरे पास 30 है तो 30 में मैं क्या करता हूँ, 7 चौक 28, पूरा तो कट नहीं रहा है, तो क्या हो रहा है, 7 7 और ये 8 8। आपको जो भी इंप्लीमेंट करना है लास्ट में करना है, 7 का 1 सबलाट हो जाएगा, 7 का 2 सबलाट हो गया, फिर 2 लास्ट में बचेगा उसको मैं 8 8 का माना हूँ। ठीक है, 8 8 का वो सब लाट हो जाएगा, तो मेरे पास जो पहला ग्रेड G10 का है उसके लिए मेरे को क्या करना होगा, 7 7 का सब लाट बनाना होगा और 2 पीछे 8 8 का, इसमें मेरे को एक रेंडम टेबल निकालना होगा। ठीक है, ये हमारा एक हो जाएगा सब लाट। फिर मैं आता हूँ 22, ठीक है, 22 में देखता हूँ तो किसमें है, 4 ही में है, तो इसमें क्या करता हूँ, डिवाइड करता हूँ तो मेरे पास 2 ठो आ जाएगा 5 5 का, 2 आ जाएगा 6 6 का। ठीक है, आपको अगर दशमलव में आ रहा है उसको आपको क्या करना है, उसको बनाना है ना, तो 5 चौक 20 कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास वेगन कितना है, 22 है, तो 5 5 का 2 करना है और 6 6 का 2 कर देना। 6 6 का किस में करना है, पीछे में करना है, सामने नहीं करना है, पीछे करना है, राइट। ये हो गया, फिर हमारे पास देखते हैं इधर कितना है, 8 है हमारे पास, और 8 किस में आ रहा है, 4 में आ रहा है, तो इसमें क्या हो जाएगा, ठीक है, इसमें क्या रहेगा, 2 2 का सब लाट रहेगा, मतलब मेरे पास कितना सिंपल हो जाएगा, 12 सिंपल। ठीक,
ये चार है, चार किसमें आ रहा है, चार दोने आठ, मतलब दो दो का सब लाड बनेगा, ठीक, इसको याद रखिएगा। मतलब मेरे पास 12 सिंपल हो रहा है टोटल। अगर मैं तीनों का अलग जब प्रिपेयर करने जाऊंगा तो वो अलग ही बात है, तो तीनों को सेपरेट सेपरेट मेरे को प्रिपेयर करना होगा, क्योंकि ये अलग ग्रेड का है, ये अलग ग्रेड का है, ये अलग ग्रेड का है। क्वांटिटी हो सकता है एक साथ काउंट हो, बट ग्रेड अलग अलग निकालना है, ठीक है। अगर इतना आपको इंश्योर हो गया होगा अलग अलग ग्रेड में कैसे निकालते हैं, उसके बाद मैं आपको टेबल निकालना बताऊंगा। अब नेक्स्ट टॉपिक क्या हो जाएगा, हमारा रैंडम नंबर कैसे निकालते हैं, जो कि आज का मेन टॉपिक है, राइट। अब इसको लोग अलग अलग बताते हैं कि इसको हम बुक पैटर्न से निकालते हैं, मैं खुद अपने वीडियो में बताया हूँ बुक पैटर्न से और स्नैक पैटर्न से। हमने क्या किया है, एक पाए हैं, क्योंकि इसमें जो बताया है उसके हिसाब से हमने एक पैटर्न सेट कर लिया है अपने हिसाब से। अब उसका नामकरण कर दिए हैं, क्योंकि हमको कुछ ना कुछ किसी को पहचानने के लिए हमको नाम देना पड़ता है। जैसे मेरे को पहचानने के लिए मेरे माँ बाप ने मेरे को नाम दिया है, तब आप मेरे को जान पा रहे हो। उसी प्रकार हम क्या करते हैं, रेंडम टेबल हम जिस पैटर्न से निकालते हैं उसको हमने एक नाम दे दिया है, ताकि उसको आदमी जान सके, ठीक। तो हम क्या करते हैं, किसी भी एक नंबर है हमारे पास, एक क्या है टेबल है, मैं बार बार स्क्रीन में क्या कर रहा हूँ डाल रहा हूँ, उसको आपको देख सकते हैं। अब ये हमारे पास एक नंबर है, ठीक है, ये पूरा क्या है, बिखरा हुआ नंबरों का एक समूह है। मैं आग बंद करके मान लो किसी पे हाथ रखता हूँ यहाँ पे, तो मान लो नंबर कितना हो सकता है, 100 है, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक नंबर में हाथ रखिए, उंगली रखिए, फिर आपको चाहे कोई भी दिशा में हो जाना है, कोई भी दिशा बोल दिया, ऊपर नीचे दाएं बाएं, चार ही पॉसिबल है आपके पास, ठीक है। क्या बोला है मैंने, लेफ्ट राइट, ठीक, और अप एंड डाउन, हमारे पास चार ही पॉसिबल है, पांचवा पॉसिबल नहीं है, और निकालिएगा भी मत, क्योंकि दिया हुआ नहीं है। हम कोई भी चीज़ रूल के अपोजिट नहीं कर सकते, जो रूल में दिया है वही काम करना है हमको। हमको क्या बताया है, कोई भी एक नंबर सेलेक्ट करना है, सेलेक्ट करने के बाद चाहे वो जो भी नंबर हो हमको मतलब नहीं है, ठीक। पहले मैंने इंश्योर किया हूँ कि मेरा जो टेबल है, कौन सा टेबल यूज होने वाला है, सेट वन, क्योंकि हमारे पास जो वीगन की संख्या है वो कितना है, 60 है, ठीक। तो इसके बारे में अब मैं कोई नंबर लिया हूँ, नंबर को मैं चुना हूँ, मान लो मेरे पास पकड़ा गया 100, 100 को चुनने के बाद मैं क्या देखता हूँ, अब मैं फ्री हूँ, मेरे को कोई पाबंदी नहीं है कि मेरे को यहीं जाना है, ठीक है। मैं 100 को लेके चाहे राइट जा सकता हूँ, चाहे लेफ्ट जा सकता हूँ, चाहे अप जा सकता हूँ, चाहे डाउन जा सकता हूँ, मैं चारों दिशा में जाने के लिए क्या हूँ, फ्री हूँ, ठीक। तो क्या होता है, एक नंबर को आपको लेना है, लेने के बाद हमको आगे जाना है, ठीक है। आगे जाना है, जाते जाते हमको देखना है कि अगर सबलाट से बड़ा नंबर हो, याद रखिएगा दो चीज़ मैं बता रहा हूँ, अगर सबलाट से बड़ा नंबर, ठीक, सबलाट से बड़ा नंबर जान लो 60, 60 हमारे पास वेगन है, वेगन से बड़ा हमारे पास जैसे 100 आ गया, इसको हमको, हम यहाँ से लिए हैं, हाथ रखे हैं, मतलब उससे आगे बढ़ रहे हैं, उसको लिए नहीं है, याद रखिएगा। आपको 60 से अगर कोई भी बड़ा नंबर आता है उसको आपको छोड़ना है, हमारे सब लात के बाहर है ये, उसको आपको छोड़ना है। स्टार्ट जरूर की हो उससे आप, लेकिन उस नंबर को लेना नहीं है, राइट। और कोई चीज़ आपको पहले आ रहा है, एक वर्ड याद रखिएगा, कोई चीज़ मान लो 1 से लेकर 10 तक मेरे को पहले निकालना है, मान लो इसमें मेरे को 12 आ गया, 12 हो सकता है रेंडम है, लेकिन पहले आ रहा है, मैं जा रहा हूँ, मेरे को पहले 1 से 10 चाहिए, 1 से 10 के पहले मेरे को 12 आ रहा है, उसको छोड़ना है। तो क्या क्या चीज़ को छोड़ना है, आपको दो ही चीज़ को याद रखना है, आपको सबसे पहले सब लाख के बाहर, सब लाख के जो बड़ा हो रहा है उसको छोड़ना है, दूसरा जो पहले नंबर आ रहा है उसको भी छोड़ना है। मतलब 1 से लेकर 10 तक आप देख रहे हो, उसमें अगर 12 नंबर आ गया उसको छोड़ना है, उसको लेना नहीं है, आपको वही नंबर लेना है। मान लो कितना हो रहा है, 5 ले लिए, हो सकता है 7 ले लिए, 2 इसलिए आप लेके चलो, क्योंकि क्या होता है कभी कभी कोई जो वेगन रहता है वो डैमेज रहता है, या कुछ क्या रहता है खुला रहता है, वो बन नहीं पाता है। उस कंडीशन में मान लो मेरा रेंडम कितना है, 5 है, 5 में अब मैं जब गया सैंपल उठाने के लिए, मैं देखता हूँ वहाँ भरा ही नहीं है, एम्प्टी है, या वो डैमेज है, उस कंडीशन में मेरे पास ऑप्शन क्या रहेगा। अगर मेरे पास टाइम है तो मैं 7 में जाऊंगा, अगर टाइम नहीं है तो 1 आगे या पूछे, ठीक है। 5 क्या है, 5 तो एकदम क्या है, मैं देखा तो खाली खाली है या डैमेज है, उस कंडीशन में मेरे को 7 में लेना है। जब किस कंडीशन में, जब टाइम है, तो अगर टाइम नहीं है तो 1 आगे या 1 पीछे अपन ले सकते हैं, राइट। ये म्यूचुअल स्टैंडिंग है, ठीक है, ये 6 ले सकता हूँ, अदरवाइज 4 ले सकता हूँ, ये हमारा पास क्या है वहाँ पे प्रेजेंट सिचुएशन के हिसाब से आपको काम करना है। मैं बता रहा हूँ इस हिसाब से नहीं, आपको वहाँ प्रेजेंट हिसाब से क्या फंस रहे हो। मेरा लीगली तो आ रहा है रेंडम 7, बट अभी देख रहा हूँ जो 5 को मैं सेलेक्ट किया, 5 को सेलेक्ट करने के लिए अब 7 में जाने को मेरे को दूर लगेगा, तो मैं क्या करता हूँ, 4
या 5, ताकि हमको टाइम भी मैनेज करना है। ऐसा नहीं है कि हम टाइम को ध्यान में ना रखते हुए, ठीक है। एक चीज याद रखिएगा, और BOBR के केस में, BOBR मैं एक क्या बताया था, वेगन बताया था, वेगन का एक टाइप है, बॉटम में खुलता है। इसमें हमको ये इंश्योर करना होगा कि जो हमारा हाई टेंशन है, हाई टेंशन अगर बंद है तभी आप प्रोसीजर से काम करवा पाएंगे। अदरवाइज इसके लिए आपको कंफर्म करना होगा, इंश्योर करना होगा कि हाई टेंशन बंद है कि नहीं है। क्योंकि क्या होता है, ये इनबॉक्स से ये क्या होता है, थोड़ा बड़ा होता है, थोड़ा ऊपर रहता है, तो हाई टेंशन हमारे थोड़ा आसपास आता है, इसीलिए हम इसमें प्रोसीजर से काम कराना मुश्किल होता है। आपको 100% इंश्योर करना होगा, उसी के बाद आप प्रोसीजर से, बाई प्रोसीजर आप काम करवा सकते हो। अदरवाइज क्या करेंगे, वो थोड़ा सा इधर उधर सैंपल लेके काम करने वाले हैं, राइट। तो ये BOBR के केस में हो गया, ठीक। तो हमारे पास क्या हो गया, ये 1 से 10 तक हम रेंडम ही बता रहे हैं आपको, ठीक है। सब लार्ज से बड़ा हो उसको छोड़ देना, पहले आए उसको छोड़ देना, फिर ऐसा करते करते आपको आगे बढ़ना है, बढ़ते हुए क्रम में, ठीक। बढ़ते हुए क्रम में मैंने बोला है। तो मान लो मैं अभी बता रहा हूँ, दूसरा एक मैं ले लिया, 1 से लेकर 10 के बीच में मैं क्या ले लिया हूँ, 10 ले लिया, फिर 11 से लेकर 20 तक, ये मेरा एक सब लाट मैं बताते जा रहा हूँ साथ में, 1 से लेकर 10 मेरा एक सब लाट हो गया, और 11 से लेकर 20 दूसरा सब लाट हो गया, इसमें मैं मान लो 11 ले लिया, राइट। फिर तीसरा मैं देखता हूँ 21 से लेकर 31 के बीच में, 30 के बीच में कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 21, और 31 से लेकर 40 के बीच में देखता हूँ तो ये हो जाएगा 31, और 41 से लेकर 50 के बीच में देखता हूँ तो ये क्या हो जाएगा, 46, और क्या हो जाएगा, 51 से लेकर 59 या 60 के बीच में देखता हूँ तो ये हो जाएगा 42। एक निकाला हुआ रेंडम है, ठीक है, जो कि लेफ्ट टू राइट जाने पे मिलता है, राइट। मान लो कितना हुआ, मैं किसी भी लिया, 100 से लिया, 100 से आते आते मेरे को क्या मिल गया, 10 मिला, ठीक है। फिर 10 से आगे बढ़ा 11 मिल गया, 11 से आगे बढ़ा 21 मिल गया, 21 से आगे बढ़ा 31 मिल गया, 31 से आगे गया 46 हो गया, 46 से आगे गया 52 मिल गया, ठीक। आपको ऐसा रेंडम टेबल निकालना है जो आप किसी सामने वाले को समझा पाओ, ठीक है। ऐसा रेंडम टेबल सेट नहीं करना है कि आप खुद नहीं समझ पा रहे हो और सामने वाले को भी समझा नहीं पा रहे हो, इस प्रकार से आपको काम नहीं करना है, राइट। ऐसा काम करना है जो आप किसी सामने वाले को समझा सको। तो ये एक निकाला हुआ रेंडम है। एक और मैं बता देता हूँ इसी चीज का क्या होता है, 10, 11, 21, और आपको एक याद रखना है 32 और 45, फिर 52, लास्ट में बीच में देखो 2 डिजिट चेंज हुआ है। इसको आपको ट्रिक याद रखना है, देखो 3 और 2 कितना हो रहा है, 5, तो यहाँ 45 लेना है। केवल एक ही चीज़ याद रखना है, 10, 11, 21, 31, अगर 32, 32 में अगर आपस में जोड़ो 3 और 2 5, तो 45, और फिर 52। 31 ले रहे हो तो 3 1 4 आ रहा है, तो पहला डिजिट 4 हो जाएगा, मतलब 46, ठीक है। ये 2 रेंडम आपको ऐसे बन जाएगा, ये दोनों लेफ्ट टू राइट जाने पे या राइट टू लेफ्ट जाने पे मिलेगा, अप डाउन वाला नहीं है, ठीक है। इसको आपको समझना है, इस प्रकार से आपको ये रेंडम निकालना है। अलग अलग मैं और रेंडम निकाल के बता देता हूँ, ताकि आपको, तो ये कुछ एग्जाम्पल है आपके पास रेंडम टेबल का। जैसे अगर मैं क्या करता हूँ, राइट तरफ जाता हूँ, तो राइट तरफ देखता हूँ मैं, मान लो 1 सेलेक्ट करता हूँ, 1 के फिर क्या करता हूँ, 17, 11 है, 21 है, 32 है, 45 है, 52 है। आपको 1 नंबर और 59 नंबर को नहीं लेना है, शुरू और लास्ट को नहीं लेना है, क्योंकि क्या होता है, वो सेफ्टी पर्पज से इसको नहीं लिया जाता है, क्योंकि हाई टेंशन जस्ट ऊपर रहता है। हो सकता है कभी कभी क्या रहता है, धोखे से चालू है तो क्या करता है, वो खींच लेता है, इसीलिए आपको पहला रन नंबर और 59 नंबर का क्या करना है, रेंडम नहीं लेना है, ये आपको याद रखना है, ये सेफ्टी पर्पज से है। अगर आपको लग रहा है कि इंजन थोड़ा सा दूर लगा है, 1 नंबर को दिया जा सकता है, तो देना है, ऐसा नहीं है, बट आपको इंश्योर करना होगा कि हाई टेंशन कितना में रहता है, ठीक है। हाई टेंशन थोड़ा दूर है, गाड़ी थोड़ा दूर लगा है, तो आप उस कंडीशन में 1 नंबर दे सकते हो, अदरवाइज आपको 1 नंबर और 59 नंबर को अवॉइड करना है, क्योंकि हमको काम करवाना है, सेफ्टी से करवाना है। कि जनरली ये क्या होता है, इंटरव्यू का क्वेश्चन है कि हमारे पास जो गाड़ी है उसका हम क्या यूज करते हैं, तो उसको हम क्या करते हैं, डेस्टिनेशन, एक जगह से क्या करते हैं, सोर्स लेस से लेकर हम डेस्टिनेशन तक पहुंचते हैं। लेकिन पहुंचना क्या है, मतलब वो हमारा एक यातायात का साधन है, यातायात का साधन है, तो हमको दोनों को बचाना है, अपने आप को भी बचाना है, गाड़ी को भी बचाना है। उसी प्रकार इस प्रकार हमको काम करना है कि हमारा काम भी हो जाए, किसी को नुकसान भी ना हो, राइट। तो इसी पर्पज को ध्यान रखते हुए 1 नंबर 59 नंबर को आपको छोड़ना है, राइट। ये इंश्योर करके छोड़ना है, ऐसा नहीं है कि आप 1 नंबर लेते मर रहा है फिर भी नहीं ले रहे, ऐसा नहीं करना है। क्या होता है, वो पता चल जाता है वहां पे आप रहोगे तो 1 नंबर लेने लायक है कि नहीं है,
राइट। तो अगर मैं अगर राइट से जाता हूँ तो ये हो गया, अगर मैं फिर से लेफ्ट की ओर जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, 1, 19, 24, 36, 46, 52, इस प्रकार से हो जाएगा। अब मैं ऊपर से नीचे जाता हूँ, ठीक है, नीचे से ऊपर जाता हूँ तो 2, 17, 22, 34, 48, 52, ठीक है। और फिर मैं डाउन जाता हूँ, डाउन जाता हूँ तो क्या हो जाएगा, 2, 15, 25, 35, 47, 57, और बहुत सारे मैं 10-12 आपको रेंडम निकाल के दिखा दूंगा ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। तो ठीक है, इस प्रकार से आपको क्या करना है, रेंडम निकालना है, राइट। अब मैं इसमें थोड़ा सा आता हूँ, मान लो मेरे क्या हो जाएगा, 1 से लेकर 30, ये क्या दिया हुआ है, इसका मैं एक निकाल के बता देता हूँ ताकि आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। 1 से लेकर 30 मान लो मेरा अलग ग्रेड का है, अलग अलग ग्रेड का निकाल के बताता हूँ। एक ही ग्रेड का पहले तो हो जाएगा, एक ग्रेड का मान लो कितना हुआ, 60 वीगन का है, 60 वीगन के बाद कितना हो गया, ये 10 से डिवाइड करना है आपको। सब लॉट पहले बनाना है, सब लॉट में क्या हो जाएगा, मेरे पास 6 आया, 6 सब लॉट में मेरे को एक एक सैंपल लेना है, मतलब 1 से लेकर 10 तक पास क्या हो जाएगा, अगर मेरे पास 1 से लेकर 30 तक है एक ग्रेड का, मतलब 30 वीगन का है, तो क्या करना होगा, 1 से लेकर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 से लेकर हो जाएगा 14, और फिर 15 से लेकर हो जाएगा 22, और 23 से लेकर हो जाएगा 30। ये मैं एक सबलाट बना दिया हूँ, अगर मेरा रेंडम मेरा क्या हो जाएगा, रेंडम या मेरा जो मैं देख रहा हूँ एक ग्रेड का 30 नंबर तक के है, उसके लिए हमने क्या निकाले हैं, 4 का सबलाट निकाले हैं, 4 सबलाट में डिवाइड किए हैं उसको, 1 से लेकर 7 पहला, 7 से लेकर 8 से लेकर 14, 15 से लेकर 22, 23 से लेकर 30, ठीक। इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक रेंडम टेम्पर निकालता हूँ, मान लो मैं क्या लेता हूँ, इसमें लेता हूँ 7, ठीक है, इसमें मैं क्या लेता हूँ, लेता हूँ 16, कितना हो जाएगा 12, फिर इसमें मैं क्या लेता हूँ, इसमें लेता हूँ 16, फिर इसमें मैं कितना ले लेता हूँ, इसमें लेता हूँ 30, ये मेरा एक क्या हो जाएगा, एक रेंडम हो जाएगा, ठीक। अब इसको आपको कैसे लेना है, आपको ए बी सी याद ही रखना है, आपको एक स्पॉट से स्टार्ट करना है, फिर नेक्स्ट हमेशा बी रहेगा, फिर नेक्स्ट क्या होगा, लास्ट इन रहेगा, इसको याद रखना है। उसी प्रकार आप सी से ले रहे हो तो सेकेंड बी, फिर ए, ए से ले रहे हो तो ए बी सी, इसको आपको जरूर याद रखना है, मैं बार बार बता रहा हूँ, ए बी सी, सी बी ए, ये एक हमारा एक पैटर्न दिया हुआ है, इसको आपको फॉलो करना है, राइट, ठीक है। तो हमारे पास मान लो मैं क्या ले लिया हूँ, ए बी सी ए, इस प्रकार से आपको उठाना है। फिर मान लो 22 वाला आ रहा है, तो 30 के पास जो 22 आएगा उसमें आपको रेंडम उठाना है, जैसे कि 31 हो जाएगा, ये वास्तव में क्या हो जाएगा, 31 से लेकर 52 तक। दूसरा मेरा क्या हो जाएगा, 31 से लेकर 52 तक मेरे को कितना दिया है, 22 दिया है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, 4 फिर सबलाट हो जाएगा, तो इसके लिए मेरे को क्या करना होगा, 31 से लेकर 5 रहेगा ना, 31 से लेकर हो जाएगा 36, और 36 से लेकर हो जाएगा 40, ठीक, 41 से लेकर क्या हो जाएगा मेरा, फिर 45, और फिर 46 से लेकर क्या हो जाएगा, 52, इस प्रकार से मेरे पास क्या हो जाएगा, 4 सबलॉट हो जाएगा। इसमें मेरे को फिर से लेना है, 1 से लेकर 30 ऑलरेडी हम ले चुके, क्योंकि 1 से लेकर 60 वेगन है ना, तो आपको फिर से वहाँ 1-2 तो मिलेगा नहीं, आपको 31 से लेकर गिनना होगा, तो 31 से लेकर आपको 52 के बीच में 1 सबलॉट निकालना होगा, उसका रेंडम देखना होगा, मान लो यहाँ पे कितना आ गया, 35 आ गया, ये 37 हो जाएगा, 31 से लेकर 35, 36 से लेकर 40, ठीक। तो ये हो गया मान लो 35 हो गया, फिर 36 हो गया, फिर मान लो कितना हो गया, 42 हो गया, फिर हो गया मान लो 47, ये इस प्रकार से हमारा क्या हो जाएगा, 2 रेंडम हो जाएगा, पहला रेंडम ये हो जाएगा, दूसरा रेंडम ये। अभी इसमें आप बदल सकते हो कि नहीं बदल सकते, इसके लिए आप इंडिविजुअल हो, क्योंकि क्या है, जब सेपरेट बनेगा मतलब सेपरेट रहेगा, तो इसके लिए मैं इसको ही चेंज कर सकता हूँ, सी बी ए सी, ठीक है। इसमें मैंने क्या लिया हूँ, ए लिया हूँ, दूसरे में मैं क्या ले रहा हूँ, सी ले रहा हूँ, क्योंकि ये अलग है, ये अलग है, क्योंकि जो एक ग्रेड का था वो सेपरेट हो गया, फिर दूसरा ग्रेड का है वो नया रेक, समझोगे, नया वेगन के लिए नया सबलाट, नया रूल याद रखिएगा। फिर से मेरा तीसरा ग्रेड का मैं बात करता हूँ, तो 52 से लेकर 60 तक, ठीक है, 52 से लेकर 60 के बीच में है, 4 सबलाट बनाना है, ठीक है। तो इसके लिए मेरे को 2-2 का करना होगा, तो 52 और 2 54 हो जाएगा, 52 54 हो जाएगा, 53, ये 53 हो जाएगा, 54 हो जाएगा, 52 53 54 57 56 57 और 59 और 59, इस प्रकार से मेरे पास क्या हो जाएगा, 4 सबलॉट हो जाएगा। चारों सबलॉट से क्या लेना है, एक एक सैंपल लेना है, तो एक एक सैंपल में मेरा क्या हो जाएगा, एक एक सैंपल में देखते हैं हम, तो मेरा पहला हो जाएगा 52 मान लो, फिर क्या हो जाएगा 54, और फिर क्या हो जाएगा 56,
और फिर क्या हो जाएगा, मान लो 60, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, मेरा एक त्रिनम सेट हो गया। मतलब एक ही टेबल है, एक ही रेख है, एक ही रेख में आपको 1 से लेकर 30 तक ये रहेगा, फिर हमारा 35 वाला बीच हो जाएगा, ये थर्ड पोर्शन हो जाएगा। मतलब तीन पोर्शन हमको मिल गया, ठीक है। ये अलग अलग ग्रेड की बात है, एक ही ग्रेड है तो कोई दिक्कत नहीं है, और अलग अलग ग्रेड है उसी में लड़कों को आजकल बहुत तकलीफ हो रहा है रैंडम निकालने में, ठीक है। तो इसको आपको याद रखना है, लेकिन आपको ये याद रखना है ABC आपको अलग काउंट करना है, याद रखिए। इसमें हो गया तो ये तो पूरा सेपरेट हो गया, लेकिन दूसरे से आपको इच्छा है तो आप यही रख सकते हो, अगर अदरवाइज चेंज करना है तो सी से ले सकते हो, राइट। और उसके बाद फिर तीसरा के लिए फिर आप इंडिविजुअल आप उसके लिए चेंज कर सकते हो, ठीक है। तो आज हमने क्या क्या पढ़ा, आज हमने सबसे पहला रैंडम का इंट्रोडक्शन बता दिया, बिखरा हुआ नंबरों को ऐसा समूह जिसको रैंडम टेबल बोलते हैं, और IS-436 Part 1 1964 को हम फॉलो करते हैं, उसमें टेबल नंबर 5 में 2 सेट दिया हुआ है, 1 से लेकर 100 और 1000 तक अलग अलग 2 सेट दिया हुआ है, दोनों को हम अलग अलग फॉलो करते हैं, राइट। इसमें हम दूसरा देखिए, लाट सब लाट, लाटों का समूह, समूहों को क्या बोलते हैं, लाट, इंडिविजुअल को हम क्या बोलते हैं, सब लाट, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखे हैं कि अलग अलग ग्रेड है तो कैसे निकालना है सब लाट के लिए, ठीक है। FAC में हमको 10% सिंपलिंग के लिए करना है, IS में 25, उसी को हमको सब लाट में डिवाइड करते हैं, राइट। तो उसके हिसाब से हम सिंपल लेते हैं, और सबसे मेन होता है आपको रेंडम सेलेक्ट कैसे करना है, कोई भी एक इंडिविजुअल नंबर हाथ रखिए, फिर आपको चारों दिशा ऊपर नीचे अप डाउन कहीं भी आप जा सकते हो, राइट। तो एक नंबर को लेके आपको चलना है, चलते हुए आपको देखना है कि सब लाट से बड़ा है तो उसको छोड़ना है, ठीक है। और आपको जो पहले आप ले रहे हो 1 से 10 मान लो, उसमें 12 आ गया तो उसको भी छोड़ना है, जो पहले आ गया उसको भी छोड़ना है, ऐसा करते हुए बढ़ते हुए क्रम में आपको आगे बढ़ना है, ये बात को याद रखना है, ठीक है। फिर आपको एक इंश्योर करना होगा, आप चाहे असेंबलिंग करने जा रहे हैं तो कोई भी वेगन से आप लीजिए, उसके बाद अरेंजिंग क्या करना है, एक आर्डर में आपको चलना है, ठीक है। और आर्डर क्या रहेगा, ABC CBA, इस प्रकार से आपको चलना है, ठीक है। बाकी उसका कितना सफाई करना है, कितना सैंपल उठाना है, मैं उसके लिए रेक सैंपलिंग में ऑलरेडी बता चुका हूँ। तो आज के लिए बस इतना।